मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब की रेड बटन दबाएं, बाद में आपको एक घंटी मिलेगी, उस घंटी को दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहास लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्लिपकार्ट का लेडीज हैंडबैग हॉल। मैंने हाल ही में कुछ फ्लिपकार्ट से लेडीज हैंडबैग मंगाए है, तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। तो आज की जो बैग्स है उसकी खासियत ये है कि ये जो हैंडबैग है वो ऑल अंडर 300 है, आई थिंक विदाउट डिलीवरी चार्ज वो अंडर 300 है, 250 की 300 बीच में आ जाएंगी। तो ये वाली अफोर्डेबल है और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। मैंने इसको चेक किया है और क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आई होप आपको भी पसंद आए, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये बैग्स आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको भी आइडिया मिल सके। जब आप ऑनलाइन खरीदोगे बैग्स देखोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि एक्चुअल में ये बैग्स कैसे हैं, क्योंकि आजकल हम लेडीज़ को ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत पसंद होती है, क्योंकि वो एक तो वो हमको घर बैठे हम कर सकते हैं और हमारी पसंद की जो भी चीज़ें हैं हम आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, और हम जो भी हम ऑर्डर करते हैं उस पर काफ़ी डिस्काउंट भी ऑनलाइन चलता रहता है। तो बाहर दुकान में जाकर ढूंढने से ज़्यादा है अच्छा है कि हम घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करें, क्योंकि बाज़ार में वही बैग्स काफ़ी महंगी आती है। तो इसलिए आजकल ऑनलाइन बैग्स अफोर्डेबल भी मिलती है और काफ़ी अच्छी भी मिलती है। तो मैंने सोचा कि मैं अब इस बैग का भी हॉल करूँगी। हालांकि मैं क्लॉथ का यानी कपड़ों का शॉपिंग हॉल आपके साथ शेयर करती आई हूँ, पर अब मैं आपके साथ बैग्स का भी करूँगी, कि मुझे भी पर्सनली बैग्स पसंद है, सब लेडीज़ को बैग्स बहुत पसंद है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सो पहली बैग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट बैग है ये, मुझे कुछ इस तरह से पैकेट मिला है, पैकेट के अंदर आया है ये फ्लिपकार्ट की, तो मैंने इसे ओपन किया पहले किया है और चलिए देखते हैं। तो ये पिंक कलर की है और इसका जो मटेरियल है वो सिंथेटिक, जो इसका जो मटेरियल है वो सिंथेटिक लेदर का है, आप देख सकते हो। और इसमें जो कंपार्टमेंट है वो टू कंपार्टमेंट है, जो कि हर हैंडबैग होता है ऐसे टू कंपार्टमेंट दिए हुए हैं। और जो छोटे पैकेट होते हैं जो इसके अंदर, यहाँ पे एक दिया है छोटा पैकेट और एक पीछे की ओर दिया है, आप देख सकते हो इस तरह से। तो कुल मिला के उन्होंने टू छोटे और टू बड़े ऐसे चार पॉकेट्स दिए गए हैं। और इसका जो कलर है वो बहुत ही प्यारा है और इसकी डिज़ाइन है, आप देख सकते हो कितने प्यारे हैं। उन्होंने इस तरह से दो क्या बोलते पता नहीं, ये बहुत प्यारा लगता है। और इस गोल्डन कलर के कुछ सर्कल भी दिए हैं उन्होंने, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जो हैंडबैग है ये शोल्डर हैंडबैग है, तो आप ये काफ़ी कैजुअल लुक देता है और हम इसमें काफ़ी स्पेस है, ये बिग हैंडबैग में आती है। और अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो या फिर वेकेशन पे हो तो ऐसी बैग्स आपको ज़रूर कैरी करना चाहिए, क्या क्योंकि ये तो दिखने में तो स्टाइलिश लगती है, फिर साथ में साथ आपका बहुत सारा सामान भी आ जाता है। तो दोस्तों, इसकी जो प्राइस है वो है 283 रुपीज़, जो कि फ्लिपकार्ट पे दी गई है। उसकी एक्चुअल प्राइस 1909 है और मुझे ये 300 अंडर मिली है विदाउट डिलीवरी चार्ज। डिलीवरी चार्ज आपको 310 या कुछ तो मिल जाएंगे, पर ये अंडर 300 है। तो ये हो गई पहली बैग, अब चलिए देखते हैं सेकंड बैग। सेकंड बैग जो मैंने मंगाई है वो है स्लिंग बैग। अगेन मैंने इसका जो कलर है पिंक ही मंगाया है, आई लव पिंक कलर। तो कुछ इस तरह से बैग है, आप देख सकते हो, और कुछ इस तरह से उसकी डिज़ाइन दी गई है, काफ़ी प्रीटी डिज़ाइन है।
और इसके अंदर जो पॉकेट्स है वो ओनली 2 पॉकेट्स दी गई है, आप देख सकते हो। एक बिग कंपार्टमेंट है और एक छोटा वाला, उसके इनसाइड में एक छोटा वाला दिए गए हैं ताकि आप अपने पैसे वगैरह वहाँ इसीलिए आप रख सकते हो। तो ये भी काफ़ी प्रीटी बैग है और यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो बड़ा या छोटा। तो दोस्तों इसकी प्राइस है, मुझे मिली है 254 में, 254 में मिले हैं, जिसकी एक्चुअल प्राइस है 899 रुपीज़ और मुझे ये मिले हैं 254। तो ये भी अंडर 300 की है और काफ़ी अच्छी है और इसकी क्वालिटी आप देखोगे तो मैंने कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी या फिर हाई इन बैग की तरह है, वैसा तो नहीं है, पर आप अगर बाज़ार में जाते हो या फिर स्ट्रीट पे उससे तो काफ़ी बेटर है इसकी क्वालिटी। तो आप अगर आप कुछ अफोर्डेबल कीमत में देख रहे हो अच्छे बैग्स तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि हम लेडीज को यू नो बहुत सारे बैग का कलेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। हर ओकेजन या फंक्शन के लिए अलग अलग बैग्स होते हैं, जैसे हम कोई फंक्शन अटेंड करते हैं या फिर ट्रैवलिंग करते हैं या फिर कोई बाजार में घूमने जाते हैं या फिर कोई यू नो दोस्तों से मिलने जाते, तो हर टाइप के हमारे पास बैग होना चाहिए। तो जरूरी नहीं आप महंगे बैग लो, तो ऐसे भी बैग आप अपने साथ रख सकते हो और ये काफ़ी अच्छी है, अफोर्डेबल है और स्टाइलिश भी है। तो ये हो गई दूसरी बैग, स्लिंग बैग। अब चलते हैं तीसरे बैग पे। तो दोस्तों ये है थर्ड बैग, ये भी शोल्डर बैग है, आप देखिए इसकी साइज है बहुत बड़ी साइज में है। ये शोल्डर बैग है और इसका ब्राउन कलर, आप देखिए आप देखते हो ब्राउन कलर है। काफ़ी सिंपल बैग है, इस पर कुछ ऐसा वर्क या कुछ ज़्यादा कुछ किया गया नहीं है। सिंपल में अगर आपको पसंद है सिंपल में कुछ वर्क ना हो तो आपको ये ज़रूर रखना चाहिए। मुझे ऐसी बैग बहुत पसंद आती है जो कि सिंपल हो नो। तो अगर आप कहीं भी ऐसे बाहर या शॉपिंग के लिए जाते हो तो ये काफ़ी अच्छी लगती है। और इसके भी 2 कंपार्टमेंट दिए गए हैं इस तरह से, तो बिग कंपार्टमेंट है और इसके अंदर जो कि यूजुअली होता है हमको मनी वगैरह रखने के लिए, तो एक अंदर दिया गया है और एक पीछे की ओर दिया गया है इस तरह से। तो इसका जो मटेरियल है वो भी सिंथेटिक लेदर का ही है और इसकी जो प्राइस है वो है 268 रुपीज़ और इसके एक्चुअल कीमत है 990 और डिस्काउंट ऑफर में मुझे ये मिले हैं 268 रुपीज़ में इस तरह से। सो दोस्तों ये थी फ्लिपकार्ट से मंगाई हुई, मैंने जो फ्लिपकार्ट से मंगाई 3 बैग्स। आई होप आपको एक स्लिम बैग और ये 2 हैंडबैग पसंद आई होगी। और अगर आप और भी ऐसे बैग्स की कलेक्शन देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो और मुझे बताओ कि आप किस प्रकार के बैग्स देखना पसंद करते हो, क्योंकि मैं मेरी पहली बार है। अगर आपकी चॉइस मुझे पता होगी तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं उस बैग का आपके साथ हॉल शेयर करूँ। तो दोस्तों आई होप आपको ये बैग्स भी पसंद आई होगी और आपको कुछ आइडिया भी मिला होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए हो तो प्लीज़ उस सब्सक्राइब का रेड बटन दबाना मत भूलिए, उस सब्सक्राइब का रेड बटन दबाते ही आपको मेरे जितने भी वीडियोस अपकमिंग है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे। तो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फ्रेंड्स। Finally, thank you so much for watching.